से पानी इस्तेमाल करते हैं। ये जो पानी है ये गड्ढा बना लेते हैं, अभी यहाँ पे एक गड्ढा है और एक गड्ढा यहाँ पे बनाए हैं। कुआ नंबर 11 का बुनियाद रखा जा रहा है, आप लोग देख सकते हो ये हमारा कुआ नंबर 11 है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारी न्यू वीडियो में, आपका स्वागत है। तो आज का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो आज हम लोग आए हैं कुआ नंबर 11 का लोकेशन पे, यानी कि कुआ नंबर 11 की लोकेशन पे। तो अभी हमारी टीम पहुँची है लोकेशन पे, तो आगे आगे मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग कहाँ पे लोकेशन है, क्या है, मैं पूरी डिटेल आपको देता हूँ। तो पूरी वीडियो में आप बने रहना, थैंक यू। ना ये पहाड़ी उतर के आए हैं हमारे एक सदस्य टीम के, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, बहुत डेंजरस है, ये फिसल है इस पर, बड़ा पहाड़ी है, वीडियो में इतना नहीं दिखाई दे रहा। और ये हमारे टीम के लोग हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी लोकेशन पे, और नज़दीक है लोकेशन पे, हम लोग पहुँच ही चुके हैं लेकिन परफेक्ट लोकेशन पे नहीं पहुँचे अभी तक, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी हमारा पीछे खड़ा है। तो ऑटो से आए हम लोग कुछ दूर, क्योंकि पर्सनल गाड़ी नहीं आ सकता था, क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम है और थोड़ा इधर रास्ता ठीक नहीं है। तो अभी इधर लोकेशन है कुएं का, कुआ नंबर 11 का, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। देख सकते हो आप इधर पूरा पहाड़ी है, इधर देख सकते हो आप ऊपर पहाड़ी है, तो पूरा जो है बड़ा बड़ा जंगल है एकदम। तो आप लोग देख सकते हो कोई ना नाला पड़ता है यहाँ पे ना, सार ज़्यादातर ऐसे होते हैं, ये बीच में नाला होता है, ऊपर पहाड़ी होती है और इस साइड में पहाड़ी होती है, बीच में नाला होता है। तो इस नाले में पानी नहीं होता, पानी नहीं आता इसमें, सिर्फ नाला बना है नदी के जैसा, लेकिन पानी नहीं आता है। कभी बारिश उरिश होती है तो वो थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये आम का पेड़ है इधर, आप लोग देख सकते हो, इसके नीचे बोल रहा है बनाने के लिए कुआ नंबर 11। यहाँ पे है ना फिरोज भाई, थोड़ा सा लोकेशन भी अच्छा है इधर, आम के पेड़ के नीचे, ये थोड़ा सा ये घर है इधर, आप लोग देख सकते हो। ये हमारी टीम के लोग हैं, फिरोज भाई ने डंडा लेके उतरे हैं, और एक साथी तो हमारे आए नहीं है। देखो ये पहाड़ी है पूरा, ये देखो पहाड़ी है, इस पर से उतरे हम लोग अभी। हम लोग जा रहे हैं जहाँ से अभी ये बस्ती के लोग, पूरे इस इलाके के लोग पानी यूज़ कर रहे हैं, जो उस पानी के पास जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लोग क्या ना छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं, क्योंकि रेती वाला ज़मीन है ना वो, और बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ दिन चल जाता है, फिर उसके बाद जो है ना गाड़ी आता है इनको पानी देने के लिए, गाड़ी। तो लोग बता रहे हैं, तो ये लोग यहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं। ये जो पानी है ये गड्ढा बना लेते हैं, अभी यहाँ पे एक गड्ढा है और एक गड्ढा यहाँ पे बनाए हैं, देख सकते हो आप लोग, एक गड्ढा यहाँ पे भी बनाया है, इसमें भी पानी है थोड़ा सा, और उसमें देख सकते हो मेंढक भी है। तो ये है इंजन, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। तो इसका पानी सूख गया है और ये भर गया, क्योंकि रेत है ना ये, तो ये रेत है, ये नदी के जैसे बहता है लेकिन इसमें पानी नहीं बहता, ये सूखा रहता है हमेशा, और बारिश उरिश होता तो जब थोड़ा बहुत पानी होता है। अच्छा इंग नहीं पो अच्छा ओ सा ओके। तो ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप कुआ बनवा दोगे तो पूरे इलाके के लोग यहाँ से पानी पियेंगे, यानी कि इधर के लोग है, इधर के ऊपर है घर, यहाँ पे ये ओटे असंटे काका आगे भी ऐसी बना रखा होगा ना इन्होंने, छोटे छोटे गड्ढे, तो जिसमें से लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोकेशन जो है जहाँ पे हमारी टीम खड़ी है, वहाँ पे बोल रहे हैं वो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या ना ये रेती है, तो बारिश के मौसम में पानी भर जाता होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, और गिरने का ज़्यादा खतरा रहता कुआ। हम लोग पक्का बनवाते हैं लेकिन फिर भी रेती है तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, तो हम लोग उधर बनवाएंगे। Nawashukuru sana kwa kuwa kuja kututengenezea kisima hapa tupate maji kwa wingi, wananchi wote wafurahi kupata maji hapa kwetu, na tunawashukuru Mungu amewaleta kutuleta katika ardhi yetu ya Tanzania
tupate maji, tuache na shida ya maji. Mimi napenda kuwashukuru sana. Kisima hicho kichimbwe hapa. Sawa. Namaskar, sat sri akal bhai log, bahut bahut shukriya, dhanyawad aap logo ka jo aap logo ko support se ye kuwa number 11 ka buniyad yahan dala ja raha hai. हमारे बहुत सारे माए बहने हैं जो पानी के लिए जिनका साधन नहीं है और आप लोगों की मदद से ये काम हो पाता है, तो जो लोग भी ताउन दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से. तो देखिए आज इसकी बुनियाद है, दुआ करें कि लोग का जो भी पानी का इशू है वो शॉर्ट आउट हो जाए इस ये नया किसीमा के जरिए, नया कुआँ के जरिए. बहुत बहुत धन्यवाद. सलाम अलैकुम. Yari hapa tengeneza kisima. Ipo hii area fundi toka ipo tengeneza kisima hapa. Wanatengeneza kisima. Work for company Tanzania. Tengeneza hapa. Hum log ke pani na nikal jaye Firoz bhai. Khos khos ke amino. Ya kaka give me. तो रखा गया. तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे जो है ना पहाड़ी है, हम लोग पहाड़ी के नीचे हैं, तो ऊपर चढ़ते हुए ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को डर लग रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है ना, तो फिसल हो रहा है. तो अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग, दिखाता हूँ मैं. पूरा जंगल है, आप लोग देख सकते हो. तो ये ज़मीन जो है ना इसकी है जो सामने है, ये तो इसकी ज़मीन है. और इसने हमको फेसबुक पे देखा हम लोगों का वीडियो, वहाँ से हम लोगों को इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, नंबर मांगे, फिर हम लोगों ने इनसे बात किया तो इनको वो दिए हम लोग. देख सकते हैं चढ़ाई चढ़ के आ रहे हम लोग, हालत ख़राब है, खराब है पोले. ये अभी थोड़ी सी और बची है, ये मोबाइल में नहीं दिखाई दे रही ऐसे, लेकिन बहुत तगड़ी चढ़ाई है. अभी देखो यहाँ का लोकेशन, नीचे एकदम बीच में जो लोकेशन है ना एकदम यहाँ पे है. मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये पेट के नीचे है कुआ. थक गए होला. ये आप लोग लोकेशन देख सकते हो. भरी मोटो साना बना चौक पड़ेगा बजाज, और फिर जाएंगे हम लोग अपनी गाड़ी के पास. तो यहाँ से वो 5 किलोमीटर है, क्योंकि हम लोग बजाज से आए थे, अपनी गाड़ी से नहीं आए थे हम लोग. अल्लाह लोग जो बिस्किट और जूस लाते हैं हमेशा, तो वही बांट रहे हैं अभी यहाँ से. फिर हम लोगों का ऑटो खड़ा है, ऑटो से जाएंगे गाड़ी के पास, 5 किलोमीटर दूर है जहाँ पर वो गाड़ी खड़ा है. तो यहाँ पे बिस्किट और जूस था जो वो दे दिए इन लोगों को. आसान है लोगों, तो अभी हम लोग बैठेंगे ऑटो में, फिर यहाँ से चलेंगे. ये लोग फुंडी लोग आ जाएंगे बाइक से, इन बाइक से ना, ये बाइक भी. तो अभी हम लोग यहाँ से बैठेंगे ऑटो में इस समय, और उसमें जाएंगे हमारे जो फुंडी लोग हैं, जो हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे टीम वर्कर है, और यहाँ तो हम लोग बैठते हैं. मैं ड्राइवर हूँ, यहाँ बैठूँगा मैं, ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर ही सब. अरे यहाँ का रास्ता देखते हैं, रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको, कितना डर लगता है. ये देखिए का कहा पलोग हमला, इसमें पकड़ने का नहीं है फिर मरता जा भाई. या तो आप लोग देख सकते हो, ये जो है ना अभी रास्ता खराब है और ये फिसल रहा है. हाँ ये कीचड़ नहीं है लेकिन फिसल रहा बड़ा तेज, डर लग रहा है फिसलने से. आप लोग देख सकते हो गाड़ी फिसल गई है, और हमारा गाड़ी भी टेटा टेटा चल रहा है. बाबू बीपी कितने देर से आप होगा ना, काका काका पोले पोले बसी सिलो सिलो बना.
इसका कोई भरोसा नहीं रहता है, तीन ये तीन पहियों का है। तो चलो लोकेशन पे जहाँ पे गाड़ी है हम लोगों का, वहाँ पे जाके हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चुके अपनी गाड़ी के पास, ऑटो से उतर चुके हैं। बड़ा डेंजरस रास्ता था, पता नहीं जिंदा कैसे पहुँच गए हम लोगों को, खुद को है वो नहीं हो रहा, बड़ा ख़तरनाक रास्ता था। अब यहाँ से जाएंगे अपनी गाड़ी में, डिग्गी खोल दो तो सामान रख दे। फिरोज भाई 8,000 दे दो इनको। तो चलो बस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही समाप्त। मिलते हैं इसका कुआ नंबर 11 की ओपनिंग के दिन। तो इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखना, और वीडियो को आप देखते रहना। और शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो और यहाँ तक हम लोगों की टीम पहुँच पाई है कुआ नंबर 11 तक। आप लोगों का धन्यवाद। ओके, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।